तो कुछ महीने पहले मैंने आपके साथ शेयर किए थे 10 पावरफुल प्रीमियर प्रो टिप्स जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए। तो आज मैं लेके आया हूँ 10 सुपर यूजफुल प्रीमियर प्रो इफेक्ट्स आपके लिए, जो आई एम श्योर आपको काफी ज्यादा यूजफुल होंगे अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हो या बी रोल शॉर्ट्स वगैरह शूट करते हो। एंड हो सकता है कि आपको इसमें से सारे इफेक्ट्स पहले से पता हो सकता है आपको किसी भी इफेक्ट्स का कोई आइडिया नहीं हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो जो सबसे पहला इफेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है टर्बुलेंट डिस्प्लेस। अब ये इफेक्ट आपको आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखने मिल जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पर टाइमलाइन में मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा सीन है, एक बेसिक टेक्स्ट लेयर है और उसके नीचे एक वीडियो है। तो वीडियो पर मैं ऐड करूँगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस। सो हम जाएंगे इफेक्ट्स में और सर्च करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस, डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हैं या तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और राइट अवे हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वेवी लुक देखने मिल जाता है। अब ये इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इसमें काफ़ी सारे डिस्प्लेसमेंट प्रीसेट्स देखने मिल जाते हैं, तो आप अलग अलग प्रीसेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो, जिससे एक अलग ही लुक आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर जो साइज़ है उसे भी बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है इस पर्टिकुलर इफेक्ट के साथ। मुझे जो पर्सनली पसंद है वो है ये ट्विस्ट वाला, और अमाउंट को मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर दूंगा और जो साइज़ है उसे मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा कुछ ऐसे। और क्योंकि ये एक ट्रेन का शॉट है तो ट्रेन को ऐसा वेवी टाइप में देखना काफ़ी क्रिएटिव सा फील होता है। बट अब देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे यूज़ करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है और जो मैं पर्सनली खुद ट्राई करता हूँ काफ़ी सारे अपने वीडियोज़ में वो है। तो मान लीजिए अगर आप कोई सिनेमैटिक शॉर्ट फिल्म या कोई वीडियो बना रहे हो और आपके जो वीडियो है उसका एंट्री या एस्टैब्लिशिंग शॉट है, तो वहाँ पर आप इसे काफ़ी क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, तो ये है आपका वीडियो का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर जाकर मैं जो साइज़ और अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ा दूंगा कुछ ऐसे, और अमाउंट पे मैं की फ्रेम क्रिएट कर दूंगा। और फिर यहाँ पर आते आते ऑलमोस्ट एंड से थोड़ा पहले मैं इसे सेट कर दूंगा 0 पर। तो अब जब ये प्रीव्यू होगा तो हमारा शॉट कुछ इस तरीके से शुरू हो रहा है काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट वे में, और फिर धीरे 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 वो सटल हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई केओस चालू है और वो केओस से एक वो एक शांत वाले सीन में ट्रांजिट हो रहा है, ऐसा फील देता है। तो मुझे पर्सनली काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लगता है। ये तो मैंने बस मतलब एक वे बताया है इस इफेक्ट को यूज़ करने का, बट आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके इसे अलग अलग वेज़ में यूज़ कर सकते हो। बट पर्सनली मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और अगर मैं इस टेक्स्ट को हाइड कर दूँ तो मान लीजिए ये हमारी एक मूवी है और मूवी का जो टाइटल है वो रिवील हो रहा है इस तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा कूल इफेक्ट है। और यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग ये देखने मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशन जो कि हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हम काफ़ी हाई रख सकते हैं, बट 1 ठीक है, और इवोल्यूशन को भी हम एनिमेट कर सकते हैं एक्चुअली, तो इसे 0 पे सेट कर देते हैं। और यहाँ पर आते आते मैं इसे कर दूंगा मे बी समथिंग लाइक 200 के आसपास। तो इससे ये इवोल्यूशन से ये जो वेव्स है वो भी अपने आप में मूव होते रहेंगे, जिससे एक सेंस ऑफ मूवमेंट आ जाएगी हमारे सीन में। सो इट लुक्स रियली रियली नाइस। तो काफ़ी कूल इफेक्ट है, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि आप इसके साथ क्या कर सकते हो। जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली अगर आप कोई म्यूज़िक वीडियोस बनाते हो तो उसके लिए ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और वो है टिंट इफेक्ट। तो इसे मैं ऐड कर दूंगा इस पर्टिकुलर फुटेज पर, और ऑब्वियसली आप इसे यूज़ करके अपने फुटेज को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप इसमें कलर्स ऐड कर सकते हो, जैसे टिंट इफेक्ट शेडोज़ और हाईलाइट्स पर फोकस करता है। तो मैं शेडोज़ को कर दूंगा मान लीजिए कुछ एक अच्छा सा डार्क पर्पल कुछ ऐसे, मे बी और थोड़ा डार्क। और जो हाइलाइट्स है या जो वाइट टोन्स है उसे मैं कर दूंगा मे बी समथिंग लाइक एन ऑरेंजिश येलो कुछ ऐसे। तो हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक रेट्रो टाइप फील देखने मिल जाता है। यहाँ से मैं जो अमाउंट है वो भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, अगर मुझे इतना इंटेंस नहीं चाहिए तो मैं इसे काफ़ी सटल रखूँगा, जिससे एक अच्छी सी वाइब क्रिएट होगी। और आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं चाहूँ तो कुछ इस तरीके का कोई कलर ऐड कर सकता हूँ, और इससे मैं कर दूंगा काइंड ऑफ ब्लू। तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक यहाँ पर लुक देखने मिल जाता है, और स्पेशली ऐसे टाइप के जो लुक्स है वो म्यूज़िक वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है।
और जो भी मैं इफ़ेक्ट्स आपको बता रहा हूँ ना, वो आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो. जैसे हमने पहले देखा टर्बुलेंट डिस्प्लेस, तो आप उस इफेक्ट के साथ इस इफेक्ट को भी कंबाइन कर सकते हो. आई एम श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक हमें देखने मिल जाएगा. अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है ल्यूमेट्रिक कलर. अब ल्यूमेट्रिक कलर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट है, बट इसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे फुटेज या एडिटिंग में. तो यहाँ पर मेरे पास एक फुटेज है जो मैंने रिकॉर्ड किया है ऑब्वियसली. और अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं एस लॉग वगैरह में शूट नहीं करता. मैंने अपनी खुद की एक कस्टम पिक्चर प्रोफाइल बनाई हुई है, जिससे क्या होता है कि मुझे आउट ऑफ द कैमरा ही एक काफ़ी अच्छी फुटेज मिल जाती है, तो मुझे उस पर ज़्यादा एडिटिंग करना नहीं पड़ता. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी फुटेजेस को जो हल्का फुल्का एडिट है वो कैसे करता हूँ उसे एक अच्छे क्रिस्प वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए. तो मैं जाऊँगा वीडियो इफेक्ट्स में, कलर करेक्शन, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ल्यूमेट्रिक कलर. इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे. तो ल्यूमेट्रिक कलर ऐड करने के बाद जो सबसे पहला चेंज मैं करता हूँ वो है कलर व्हील में जाके शेडोज़ मिड टोन और हाईलाइट के साथ. तो मैं शेडोज़ अपने प्रेफर करता हूँ कि अभी जो शेडोज़ है वो कम्प्लीटली ब्लैक है. मैं प्रेफर करता हूँ एक हल्का सा ब्लू टोन रखने में शेडोज़ में, और फिर इसे मैं हल्का सा इंटेंसिटी जो है वो शेडोज़ की बढ़ा दूंगा. एंड फिर जो मिड टोन्स है उसे मैं लेके जाऊँगा ऑरेंज की तरफ, जिससे मेरे जो स्किन टोन्स है वो थोड़े और बेटर हो जाएंगे. और मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा जिससे जो ब्राइटनेस है ओवरऑल सीन की वो काफ़ी ज़्यादा मिड टोन्स की अच्छी हो जाएगी. और हाइलाइट्स को मैं यूजुअली नहीं छेड़ता, मतलब जो ये स्लाइडर उसको कम ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ जो कलर टोन है उसे मैं येलो या ऑरेंज के आसपास रखता हूँ. इससे क्या होता है जो कलर्स हैं मेरे वो काफ़ी ज़्यादा और पॉप आउट होता है, जिससे ओवरऑल जो कलर्स की थीम है वो सैचुरेटेड हो जाती है, बट वो ऐसे सैचुरेटेड नहीं होती जिससे वो ख़राब लगे. तो मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर. स्पेशली मैं ये जो चेंज करता हूँ ये स्किन टोन्स को फिक्स करने के लिए, तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है. फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैं करता हूँ वो जाता हूँ बेसिक कलर करेक्शन में, और ये मैं कभी कभी करता हूँ, बट कभी कभी जो टेम्परेचर है उसे मैं कम ज़्यादा करके चेक करता हूँ कि कहाँ पर मुझे स्किन टोन्स जो है वो बेटर लग रहा है. तो ऑब्वियसली 1 पर मुझे सही लग रहा है टेम्परेचर. एंड फाइनली मैं जाऊँगा क्रिएटिव में. यहाँ पर जो शार्पन है उसे मैं 5 पे सेट करता हूँ, और जो वाइब्रेंस है उसे मैं 7 या 8 के आसपास रखता हूँ, जिससे काफ़ी ओवरऑल एक अच्छा लुक हमें देखने मिल जाता है. तो अब इसे अगर मैं हाइड करूँ तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर. अगेन ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बट ओवरऑल जो कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. अब नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो है मोज़ेक इफ़ेक्ट, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा अगर आपको कोई भी चीज़ को ब्लर करना है, या आपको दिखाना नहीं है बट ब्लर भी नहीं करना है. अब मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है. तो मैं एक एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर ऊपर ऐड कर दूंगा. अब मान लीजिए मुझे इस बंदे का जो फेस है वो हाइड करना है, बट मुझे ब्लर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे ब्लर करेंगे ना तो वो काफ़ी अजीब दिखता है. तो अगर हमें इसे थोड़ा सा क्रिएटिव वे में ब्लर करना है तो हम यूज़ करेंगे मोज़ेक इफेक्ट. हम जाएंगे इफेक्ट्स में और टाइप करेंगे मोज़ेक, और फिर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, और फिर मैं हाइड करूँगा और ऐड करूँगा एक सर्कल मास्क. ठीक है, इसे मैं कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और फिर इसे अनहाइड करेंगे, और जो मास्क का एक्सपांशन है वो मैं काफ़ी कम कर लूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि उसका जो सिर्फ फेस है वो कवर रहे. और यहाँ पर मास्क फेदर भी 0 कर लेंगे. अब मैं जाऊँगा हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स और वर्टिकल ब्लॉक्स में मोज़ेक, और इसे मैं बढ़ा दूँगा कुछ ऐसे. तो हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इस तरीके का ये जो ब्लर है, हमने हाइड कर दिया है उसके फेस को बिना ब्लर यूज़ किए. और ये तो बस एक एग्ज़ाम्पल है, आप चाहे इसे वैसा यूज़ कर सकते हो. तो अगर मैं चाहूँ तो मोज़ेक इफेक्ट को, एक्चुअली मुझे मोज़ेक इफेक्ट को एडजस्टमेंट लेयर पे ऐड करना था बट मैंने किया नहीं, तो इस फाइन, तो मैं एडजस्टमेंट लेयर डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं इस मास्क को डिलीट भी कर दूँ तो भी मैं इसे काफ़ी क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकता हूँ, एक मे बी मोशन ग्राफिक पीस बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मोशन ग्राफिक बैकग्राउंड बनाने के लिए. तो कुछ इस तरीके से मैं इसे सेट कर दूंगा और शार्प कलर्स को ऑन कर दूंगा, तो हमें ये एब्स्ट्रैक्ट कलर्स मिल जाता है. आई एम नॉट श्योर कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, बट या दिस इज़ समथिंग यू कैन वर्क विथ. अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है कैमरा ब्लर. तो यहाँ पर मेरे पास एक फुटेज है. ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड है उसके साथ ये जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड इन हो रहा है, तो मुझे एक सेंस ऑफ डेप्थ क्रिएट करनी है इस पर्टिकुलर शॉट में. तो मैं ये हमेशा तो रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आपके पास कोई फुटेज आ गई है जिसे आप रीशूट नहीं कर सकते तब आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो. तो ओके, तो इस फुटेज पे मैं ऐड कर दूंगा कैमरा ब्लर. तो यहाँ पर जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, ऐड करेंगे कैमरा ब्लर. इसे अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, और फिर पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, और इस तरीके से मैं काफ़ी रफ मास्क जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ.
आप ऑब्वियसली टाइम लेके थोड़ा सा एक्यूरेट मास्क क्रिएट कर सकते हो, बट इसमें हमारा जो रफ़ मास्क है वो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। और जो मास्क फेदर है उसे मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, इफ़ेक्ट को ऑन कर लेते हैं और इसको इन्वर्ट कर देंगे, मास्क फेदर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे कुछ ऐसे। और ऑब्वियसली इंटेंसिटी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वो काफ़ी अननेचुरल लगेगा, काफ़ी कम रखेंगे कुछ ऐसे, अराउंड 3 या 4 के आसपास। और जो फेदर है उसे मैं काफ़ी बढ़ा दूंगा। सो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी हल्का सा इफेक्ट है, बट एक सेंस ऑफ डेप्थ आ जाती है और हमारा जो फोकस है वो इस कैरेक्टर पे चला जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक किसी भी शॉट को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में। अब जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पर उसके हाथ का मूवमेंट है, बट क्योंकि हमारा जो मास्क है वो ऐसा है तो आपको मास्क को भी एनिमेट करना पड़ेगा। और फिर मैं अगर चाहूँ तो फिर इसे ट्रैक कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जाकर ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड, और यहाँ पर वो मास्क को पूरा ट्रैक कर लेगा जिससे आपको हर एक की फ्रेम में आगे जाकर मास्क को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नया फीचर है, आई एम नॉट श्योर कि ये पुराने प्रीमियर प्रो में है या नहीं, आई गेस प्रीमियर प्रो 2018 के बाद से ये फीचर इसमें ऐड हुआ था, नॉट रियली श्योर। तो अगर आप कोई पुराना प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये फीचर देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये की फ्रेम जो है वो क्रिएट हो चुके हैं और हमारा जो मास्क है वो प्रॉपरली तो इतना एक्यूरेटली मूव नहीं कर रहा है, बट हम ऑब्वियसली इसमें जाके जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं प्रॉब्ली इस मास्क को सिलेक्ट कर सकता हूँ और इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ यू कैन क्रिएट अ डेप्थ इनसाइड अ सीन। बट मैं बोलूँगा कि रीशूट करो तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर रीशूट नहीं कर सकते और डेप्थ ऐड करनी है, फोकस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लाना है, तो ये टेक्निक बहुत यूज़फुल है। अब अगेन मेरे पास ये फुटेज है और मान लीजिए मुझे इस फुटेज को थोड़ा और सिनेमैटिक बनाना है ज़्यादा कोई चेंजेस किए बगैर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो ब्लैक बार्स होते हैं आपने देखा होगा कोई भी मूवीज़ में ऑब्वियसली देखा होगा, नीचे और ऊपर एक ब्लैक बार्स होता है जिससे वो मूवी और भी ज़्यादा सिनेमैटिक लगती है, इसे कहते हैं हम सिनेमैटिक बार्स। तो वो कैसे क्रिएट करें, तो वो क्रिएट करने के लिए आपको फुटेज सेलेक्ट करना है, जाना है इफेक्ट्स में और सर्च करना है क्रॉप इफेक्ट, इसे ऐड कर देंगे इस फुटेज में। अब यहाँ से मैं टॉप से 15% क्रॉप कर दूंगा और बॉटम से 15%, एंड बूम, यहाँ पर हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक लुक मिल जाता है। आप देख सकते हो एक सिंपल सी चीज़ ऐड करने से हमारा जो वीडियो है या फुटेज है वो कितना ज़्यादा सिनेमैटिक लगना शुरू हो जाता है, बहुत ही सही लग रहा है। और ये एक्चुअली किसी भी फुटेज पे काम करता है, तो अगर मैं इस इफेक्ट को कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँ कंट्रोल वी, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा ओवरऑल हमें लुक जो है वो देखने मिल जाता है। और यहाँ पर परसेंटेज है तो ऑब्वियसली आप चाहो तो इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है विच इज़ सुपर यूजफुल एंड दैट इज़ अनशार्प मास्क। तो अब क्योंकि ये जो मेरा कॉम्पोजिशन है या सीक्वेंस है वो 2K का है, मतलब 2560x1440 इसका डिमेंशन है, और ये जो फुटेज है ये 1080p फुटेज है। अब अगर इस फुटेज को मैं नॉर्मली स्केल कर दूँ इस सीक्वेंस में फिट होने के लिए, तो मैं इसे स्केल कर दूंगा कुछ ऐसे, तो ऑब्वियसली जब हम स्केल करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है और क्वालिटी लॉस भी हमें देखने मिल जाता है। तो उसे फिक्स करने के लिए हम यूजुअली शार्पन ऐड करते हैं ताकि हमारी इमेज या फुटेज है वो शार्प हो, बट आपको शार्पन कभी नहीं यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है अनशार्प मास्क। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो जब हम अनशार्प मास्क इस पर ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें और भी थोड़े कंट्रोल्स मिल जाते हैं हमारे ओवरऑल शार्पनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं अमाउंट के साथ रेडियस बढ़ा दूँ तो देख सकते हो किस तरीके से डिपेंडिंग ऑन माई सीन आई कैन एडजस्ट दी रेडियस, अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ाऊंगा और रेडियस को फिर हल्के से हम एडजस्ट करेंगे। और अगर मैं चाहूँ तो थ्रेशोल्ड के साथ भी खेल सकता हूँ कि कितना थ्रेशोल्ड चाहिए मुझे, बट यूजुअली मैं रेडियस और अमाउंट के साथ ही थोड़ा ऊपर नीचे करके इसे फिक्स करता हूँ। और इससे जो शार्पनेस हमें मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होती है, तो दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। तो देख रहे हो कि हमने शार्पन भी कर लिया है और वो इतना इंटेंस नहीं है कि आंखों में चुभे, तो अगर आप शार्पन डायरेक्टली ऐड कर देते तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट अनशार्प मास्क काफ़ी नेचुरल बना देता है इसको। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे कम करके थोड़ा सा सटल रख सकता हूँ जिससे हमारा जो फुटेज है वो काफ़ी नेचुरल और अच्छा दिखेगा। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो काफ़ी सिंपल है बट बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, एंड दैट इज़ द वॉर्प स्टेबलाइजर। अब क्या होता है कि जब बहुत बार मैं बी रोल्स वगैरह शूट करते रहता हूँ प्रोडक्ट शॉट्स के, तो मेरे पास कोई गिम्बल या स्लाइडर तो है नहीं, तो मैं हैंड हेल्ड शॉट ही लेता हूँ। बट ऐसे सब शॉट्स में अगर गिम्बल हो तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा शॉट, बट ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, तो मैं यूजुअली जो वॉर्प स्टेबलाइजर इफेक्ट है
प्रीमियर का, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है प्रीमियर प्रो अपडेट्स के साथ, तो वो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ, जिससे शॉट्स काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लगते हैं और काफ़ी एक स्मूथ मूवमेंट हमें देखने मिल जाती है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैं कौन सा गिम्बल यूज़ करता हूँ, तो बूम, आई डोंट यूज़ एनी गिम्बल। तो ये हो चुका है हमारा एनालाइज, और अगर हम अब इसे प्रिव्यू करें, काफ़ी अच्छा और स्मूथ शॉट हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है बिना किसी गिम्बल के। और अभी का स्पेशल मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो CC 2022, बट जो पुराने वर्जन्स है, आई थिंक 2018 2019 में वॉप स्टेबलाइज़र इतने अच्छे से काम नहीं करता, बट स्पेशली 2020 के बाद या 2021 के बाद इसका जो वॉप स्टेबलाइज़र है प्रीमियर प्रो का, वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो देख सकते हो काफ़ी स्मूथ फुटेज हमें देखने मिल जाती है, और ये ऐसा एक इफेक्ट है जो मैं अपने हर एक बी रोल शॉट में यूज़ करता हूँ कहीं ना कहीं पे। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है मेरे पास, ये कोई इफेक्ट नहीं है, बेसिकली एक टिप है, एंड द टिप इज़ हाउ वी कैन यूज़ मार्कर्स। तो अगर आपको सभी को पता होगा, अगर हम M प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, जिससे ये मार्कर ऐड हो जाता है, बट अगर मैं Alt होल्ड करके क्लिक करूँ तो ये मार्कर स्प्लिट हो जाएगा, और फिर इसको मैं इस तरीके से बड़ा कर सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो मान लीजिए अगर मैं कोई एडिटर हूँ और मैं किसी दूसरे एडिटर को फाइल दे रहा हूँ एडिट करने के लिए, तो मैंने आधा एडिट कंप्लीट कर लिया है और कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसका एडिटिंग बाकी है, तो उसको मैं कैसे समझाऊंगा? तो मैं सिंपली ऐसा मार्कर ऐड कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, फिर जाऊँगा एडिट मार्कर में, चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉमेंट कर दूंगा कि एडिटिंग इन प्रोग्रेस, क्लिक करूँगा ओके पर। तो इस तरीके से ये हाईलाइट बन जाएगा, इससे मैं जहाँ पर भी चाहूँ वहाँ पर मूव कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मूव कर दिया और इसे इस तरीके से प्लेस कर दिया, और इससे इसको पता चल जाएगा कि एडिटिंग इज़ इन प्रोग्रेस, मतलब ये फुटेज की एडिटिंग जो है वो बाकी है। तो इस तरीके से मैं जितने भी चाहूँ मार्कर्स ऐड करके वहाँ पर कोई स्पेसिफिक मैसेज या कमेंट ऐड कर सकता हूँ, जिससे सामने वाले को काफ़ी आसानी होगी, सामने वाले को क्या, खुद को भी काफ़ी आसानी होगी। मान लीजिए मैंने इस प्रोजेक्ट को अभी क्लोज कर दिया और कुछ दिन बाद अगर इसे एडिट करने वाला रहूँगा, तो तब मुझे पता रहेगा कि हाँ भाई, ये सेक्शन का एडिटिंग बाकी है। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये फीचर। अब फाइनली जो लास्ट 10th टिप है मेरे पास आपके लिए, वो टिप है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा कि मैं जब कभी भी प्रीमियर प्रो की वीडियोस अपलोड करूंगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उसे देख पाओगे। तो ये थे मेरे कुछ 10 प्रीमियर प्रो इफेक्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे प्रोजेक्ट्स में, एंड आई होप कि आपको भी ये इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। अगर आपके पास है कोई ऐसे इफेक्ट्स जो आप शेयर करना चाहते हो, जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए dope.motions और निखिल पवार पे, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।